कैसरगंज भाजपा सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे पहलवानों के बीच हुए विवाद के बीच में अब एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ यह है कि खेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और अभी हुए राष्ट्रीय कुश्ती संघ के चुनावों को, जो कि काफी टाल मटोल के बाद कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से संपन्न हुए थे, उनके वोटिंग के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद वोट अब काउंट किए गए थे और वोटों के चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के पैनल को जीत मिली थी। इनफैक्ट उनके करीबी संजय सिंह, जिन्हें बबलू के नाम से भी जाना जाता है, वो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए थे खेल मंत्रालय ने। अब संजय सिंह और उनके तमाम और जो पदाधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। इनफैक्ट WFI के इस पूरे नए संगठन को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके लिए बकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है। और मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ में जो नए पदाधिकारी आए, उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में नई नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन की घोषणा कर दी और ये आयोजन की घोषणा कल बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा, संजय सिंह उनके साथ बैठे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। और उसमें बताया गया कि 28 दिसंबर से इस राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन किया जाएगा नंदनी नगर गोंडा में, जिसमें कि अंडर 15 और अंडर 20 के खिलाड़ियों के बीच में दंगल होगा। इसी बात पर राष्ट्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों को और बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय को अपनी दी गई प्रेस रिलीज में कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जब कोई भी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन करते हैं तो एज पर द रूल्स ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI, आपको कुछ एक पर्टिकुलर दिनों का नोटिस है, 10-15 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों तक पहुंचता है और उसके बाद मीटिंग में आप फैसला लेते हैं कि चैंपियनशिप का आयोजन कब कराया जाए, कैसे कराया जाए। उन मानकों का, उन कानूनों का पालन इस घोषणा में नहीं हुआ है। और अगर किसी भी बात में या फिर किसी समय पर ऐसा हो कि आपको बहुत ही इमरजेंसी में डिसीजन लेना होता है, तब भी आपको कुछ 7-8 दिनों के समय का नोटिस देना पड़ता है और उसके बाद ही आप ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इस चैंपियनशिप की घोषणा में ऐसे किसी भी नोटिस का पालन, ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया था। इस फैसले के बाद अब राष्ट्रीय कुश्ती संघ के रीसेंट के सारे फैसले, चाहे वो चैंपियनशिप के डेट्स की घोषणा हो या फिर आयोजन स्थल की घोषणा हो, सब पर रोक लग गई है। इनफैक्ट अब वो कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। खेल मंत्रालय ने अपने दिए हुए निर्देश में लिखा है, WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले पूरी तरह से नियमों के खिलाफ हैं और WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। इन फैसलों से नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता से रहित है। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन महत्वपूर्ण है और एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। ये खेल मंत्रालय ने अपने दिए गए प्रेस रिलीज में, अपने आदेश में लिखा है। इस बात पर विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा, यह अच्छी खबर है, हम चाहेंगे कि इस पद पर कोई महिला आनी चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि महिलाएं आगे बढ़े, अच्छा आदमी आना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि साक्षी मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में, जबकि खेल मंत्रालय के चुनाव के रिजल्ट की घोषणा हुई थी, साक्षी मलिक ने अपने इंटरव्यू में किसी चैनल पर कहा था कि राष्ट्रीय खेल मंत्रालय द्वारा उनसे वादा किया गया था कि जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष होगा वो कोई ना कोई महिला होगी, लेकिन उसके बावजूद संजय सिंह का निर्वाचन हुआ, संजय सिंह जीत कर आए और उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब और प्रतिक्रिया देखते हैं कि बजरंग पुनिया ने क्या कहा। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर ये फैसला लिया गया है तो बिल्कुल ठीक लिया है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है ऐसे लोगों का सभी फेडरेशन से सफाया होना चाहिए। इससे पूर्व के घटनाक्रम में बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस चुनाव में शामिल नहीं हुआ था। उनके बेटे और दामाद किसी ने भी इस चुनाव में किस्मत नहीं आजमाई थी। संजय सिंह को उनके ही गुट का आदमी माना जा रहा था। तो चुनाव के बाद इनफैक्ट दोनों ही एक मंच पर भी नजर आए। बृजभूषण शरण सिंह ने काफी हर्षोल्लास के साथ, काफी जलसे के साथ इस जीत का जश्न मनाया और इनफैक्ट उनका बड़ा स्लोगन काफी वायरल हुआ कि दबदबा है, दबदबा तो रहेगा, ये तो ईश्वर का, भगवान का दिया है। अब देखना यह है कि दबदबा किसका बनकर रहता है, खेल मंत्रालय का, पहलवानों का या फिर बृजभूषण शरण सिंह का। आने वाले दिनों में
राह इतनी आसान कुश्ती की नहीं होने वाली है। लोगों के विवाद अपने जगह पर है, लेकिन कुश्ती खेल जो झेल रहा है इसका स्टेटस क्या रहेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह बने थे तो वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। पूरी आशंका है कि वो भी कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत लेने का प्रयास करेंगे। आगे क्या होगा ये सब भी हम आपको बताएंगे गोंडा पोस्ट पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।